हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड आज हमारे पास हैं गोविंद। तो आज गोविंद से हम बात करेंगे, इनकी ये पर्सनल पिकअप है, ये पिकअप ही में हम बैठे हैं, महिंद्रा की बोलेरो पिकअप। तो फ्रेंड आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, कितना एक मंथली ये कमाते हैं पिकअप से और कितना उसमें खर्चा आ जाता है और कहाँ कहाँ तक ये ले जाते हैं पिकअप को सामान इसमें भर करके, कितनी दूर दूर तक ले जाते हैं और क्या क्या कमाई से इन्हें क्या क्या अपने जीवन में किया है, क्या और भी गाड़ी ली है या नहीं। तो इस टॉपिक पर बारे में बात करेंगे और जो भी जैसे कि कुछ पिकअप में क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाना चाहिए, जैसे अगर आपको कोई न्यू पिकअप लेना है तो क्या क्या उसमें चेंजेस करवाना चाहिए, जैसे हम अपने सामान को अच्छी तरीके से उसमें लोड कर सकें, ले जा सकें, तो क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता है, तो इस बारे में बात करेंगे। और ये कब से चला रहे हैं, वैसे मुझे तो पता है काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, और इनकी एज क्या है। वैसे तो गोविंद भाई ये बताइए कि आपकी एज क्या है अभी। मेरी एज अभी 22 साल है। 22 साल है, और आप पिकअप कब से चला रहे हैं? पिकअप चला रहे हो 4 साल के समथिंग। अच्छा, 4 साल से चला रहे हैं। तो ये बताइए कि ये आपकी फर्स्ट पिकअप है कि जैसे कोई और पिकअप ली पहले? नहीं, ये तीसरी गाड़ी है मेरी। अच्छा, तीसरी गाड़ी है। हाँ, तो जो पहली पिकअप ली थी तो उसी से ये बनाई है कि जैसे कोई अलग से ली है ये गाड़ी? नहीं, एक ही गाड़ी ली थी, उसी की इनकम से ये तीसरी गाड़ी बना चुका हूँ। अच्छा, ये तीसरी गाड़ी है। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे आप मंथली कितना कमा लेते हैं? अब मंथली इसमें ऐसा रहता है, जैसे सीजन वाइज सीजन रहता है, बरसात का टाइम रहता तो मुश्किल पड़ जाता है, किस्त भी निकालना मुश्किल पड़ जाता है। तो जैसे सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन है या कोई भी सीजन चल रहा है, तो उसमें इनकम अच्छी हो जाती है। और वैसे आप चलाते काय काय पे हैं ये पिकअप? कोई भी भाड़ा हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का, घर का ट्रांसफर हो गया या सब्जी अब्जी का काम हो गया, मंडी वगैरह का। मतलब सभी पे चलाते हो आप? हाँ। तो वैसे मंथली जैसे कितना कमाते हो, कितना इसमें खर्चा जाता है जैसे? मंथली ये मान लीजिए लगभग वही 30 से 40 हजार के समथिंग। अच्छा, 30-40 हजार के समथिंग। हाँ। और जैसे गाड़ी में जो मेंटेनेंस है वो एक महीने में कितना पड़ जाता है वैसे? अब ये तो गाड़ी के ऊपर रहता है कि गाड़ी कितनी चलती है, कैसे रोड में चल रही है, तो उसी हिसाब से खर्चा आता है। अच्छा, तो वैसे कोई ऐसा बताइए कि जैसे मंथली में जैसे आपको जैसे इतना इतना तक मिनिमम खर्चा आ जा सकता है? मान के चलिए 30 से 40 हजार के लगभग इनकम हो गई अपनी। हाँ, जिसमें से मान के चलिए अगर खुद चला रहे तो उसमें ड्राइवर ही नहीं लगेगी, और अगर ड्राइवर से चलवाएंगे अपन तो मान के चलिए 6 से 7 हजार रुपये ड्राइवर का हो गया, 4 से 5 हजार रुपये मेंटेनेंस का हो गया, तो ऐसे 11 हजार ये हो गए, 10 से 15 हजार के समथिंग आप किस्त बनवा सकते हैं गाड़ी की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने जमा करना, कितने की किस्त बनाना है। तो ये ऐसे मान के चलिए 25 से 30 हजार रुपये खर्चा हो गया, तो 40 हजार के समथिंग इनकम रहती, तो 10 हजार रुपये महीने का आराम से बच जाता है। अच्छा, अगर ड्राइवर चलाए तो, अपन स्वयं चलाते तो और ज़्यादा भी बचा सकते हैं। अच्छा, अब मतलब 4-5 हजार जैसे क्लियर ही है मेंटेनेंस का, कि जैसे कभी कभी कोई महीने में आता भी नहीं है बिल्कुल से? नहीं, तो वो तो बताया ना पहले, जैसे बरसात का टाइम चलता है तो बरसात में किस्त भी निकालना मुश्किल पड़ जाता है, तो उसका मेंटेनेंस पहले से बना के चलना पड़ता है। जैसे जिस महीने में इनकम ज़्यादा हो रही तो वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर लिया या कहीं भी। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ दूर तक गए हैं, ऐसा मतलब एक बार में कितने किलोमीटर दूर तक ले गए इस गाड़ी को? अब मैं तो अभी एक बार में वही 500-700 किलोमीटर तक गया हूँ एक बार में। ये तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहाँ तक गया है, कहाँ जा सकता है, किस शहर में वो रहता है। अच्छा, जैसे ये ऐसा है कि जैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो कोई ऐसी लिमिट हो कि आप इतना चला सकते हैं एक बार में, जैसा कोई ऐसी गाय है इस पिकअप में कि आप एक बार में इतनी चला सकते हैं? नहीं नहीं, पिकअप में कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपकी इच्छा होती चला सकते हो। वो तो गाड़ी है, उसको क्या, डीजल डालो उसमें, जो काम है वो कराओ, बाकी जहाँ तक ड्राइवर चला सकता है वहाँ तक जा सकते हैं। मतलब जैसे कि गाड़ी का मेंटेनेंस रखो अच्छे से, जैसे सर्विस टाइम पे करो, जो भी उसका में उसमें दिक्कत है, कमी है, तो उसको पूरा करो, अपना डीजल डालो और चलाओ बस। मतलब नो लिमिट है, आप कहीं भी ले जा सकते हो गाड़ी को? हाँ, कोई लिमिट नहीं है। वैसे जैसे जो अभी वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम अभी लोग MP छतरपुर में बना रहे हैं, तो वैसे आप तो छतरपुर से ले जाते हो, तो आप कहाँ कहाँ तक ले गए हैं इसको? अभी मैं बिहार तक होके आया हूँ, बिहार
मैं भोजपुर है, जैसे गुजरात में अहमदाबाद हो गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर हो गया, और अपना ये यूपी हो गया, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, दिल्ली, मतलब इतनी जगह तक मैं, भोपाल ले गए। भोपाल, इंदौर, और आपका ये बड़ौदरा है गुजरात के अंदर, तो वहाँ भी हो जाऊँ। मतलब सभी जगह ऐसी ऐसी आसपास 600-800 किलोमीटर अभी की। पिछले पिछले हफ्ते ही मैं कोलकाता गया था, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ से लगभग वही 1200 से 1300 किलोमीटर के समथिंग दूरी है। तो मतलब वैसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने गाड़ी का मेंटेनेंस रखो, डीजल डालो और चलाओ। जी बिल्कुल। अच्छा। और इसमें जैसे अगर आप जैसे कोई भी जैसे कोई न्यू गाड़ी लेता है जैसे बोलेरो पिकअप, तो उसमें वैसे क्या क्या मॉडिफिकेशन, मतलब ये क्या चेंजेस करवाने चाहिए लोडिंग गाड़ी के लिए? मतलब मॉडिफिकेशन तो ठीक है, वो तो अपने हिसाब से करवा सकते हैं, हाँ लेकिन कुछ गाड़ी में जैसे कि जिसमें लोडिंग में कोई भी दिक्कत ना आए, तो क्या चेंजेस करवाने पड़ते हैं? कुछ करवाने पड़ते हैं या नहीं, ऐसी चलानी पड़ती है? नहीं, उसमें करवाने पड़ते हैं। अब मेरी तो ये गाड़ी कंप्लीट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे बताओ तो क्या करवाने पड़ता है वैसे? जैसे मान के चलिए, सबसे पहले तो आप गाड़ी लेंगे तो हाफ बॉडी मिलेगी आपको, पूरी बॉडी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो कमानी रहते, पटा रहते हैं जिस पर लोडिंग पड़ती है पूरे, तो उसमें 6 या 7 पटा मिलते हैं गाड़ी में, जो कि अपन को लगभग 3 टन के समथिंग वजन लोड करना पड़ता है, उस हिसाब से 4 या 5 पटा बढ़वाने पड़ेंगे। अच्छा, पटा बनवा बढ़वाने पड़ते हैं। हाँ अच्छा। तो जैसे गोविंद जी ये बताइए, जैसे कोई ने न्यू गाड़ी ली जैसे उसमें हाफ बॉडी है, तो उसकी जो बॉडी बनवाने में कितना खर्चा आ जाता है और पटा बढ़वाने में कितना खर्चा आ जाता है? ये तो जिसने गाड़ी ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको गाड़ी किस तरीके से बनवाना है, किस काम में चलाना है, या फिर कितना वजन लोड करना है। जैसे एक फ्रेंड, मैं एक बात बताऊं, जैसे अगर आप दूध पर चलाते हैं तो वो ये हाफ बॉडी में चल जाती है, क्योंकि उसमें बड़ी बॉडी चाहिए नहीं होती है। और जैसे अगर आपको कोई सामान वामान वगैरह जैसे लोडिंग का सामान जैसे उसमें भरना है, ले जाना है कहीं, तो उसके लिए जैसे आपको बड़ी बॉडी करवानी पड़ती है, तो जैसे आपको जैसे मिनिमम बॉडी करवाना है जैसे, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है वैसे? जैसे मान के चलिए मिनिमम बॉडी बनवाना है, तो वो हाफ डाला से लगभग 2 फट के समथिंग हाइट चाहिए पड़ेगी अपन को, तो उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का समथिंग खर्चा आएगा, बॉडी में कलर अलर सब सहित। और जैसे जैसे अपन को चेचेस लेना है, जैसे आपने बॉडी नहीं ली कोई भी, जैसे हाफ बॉडी भी नहीं ली, तो उसमें कितना आ जाता है वैसे बॉडी बनवाने, जैसे कोई सिंपल सी ऐसे? जैसे खाली चेचेस ले रहे अपन, हाफ डाला जो कंपनी वाले देते वो नहीं ले रहे, तो उसमें मान के चलिए वही 45 से 50 हज़ार के समथिंग खर्चा आता है पूरी फुल बॉडी बनाने में। अच्छा। तो फ्रेंड चलिए बताते हैं कि जैसे इसमें कैसी इसकी बॉडी बनी है और ये कितने का मॉडल है वैसे ये गाड़ी? ये 17 मॉडल है, नवंबर 2017। अच्छा। तो फ्रेंड चलिए बताते हैं किस तरह का, जैसे आपको न्यू गाड़ी लेते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस करवाने पड़ते हैं, और इसके भी बताएंगे क्या क्या इसमें लगवाया गया है और किस तरीके से आपको भी लगवाना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी अच्छी तरीके से चले और आपको भी उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। जैसे इस अभी सीटों पर भी आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड आप अभी अंदर से देख सकते हैं इस तरीके का मिलता है इसमें डैशबोर्ड। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, आपको लगवाना पड़ता है। यहाँ पर ये चार्जिंग सॉकेट, ये इसकी स्ट्रिंग, इस तरह का है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और फ्रेंड आप देख सकते हैं ये लगा है इसमें फास्टैग, जो अभी लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर दिखा दूँगा आपको, तो आप अपनी गाड़ी में ये ज़रूर लगवाएं। अगर आपको जैसे म्यूजिक सिस्टम तो सभी लगवाते हैं, तो इस तरीके के आप स्पीकर बनवा के रख सकते हैं यहाँ पर, जिससे आप ये ऊपर भी एक इस तरीके का बनवा सकते हैं, जिससे ये सीट की वो है ना, जिससे यहाँ पर भी एक इंसान बैठ सकता है, नहीं तो यहाँ पर गैप आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो जिससे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर कोई तीसरा इंसान बैठता है तो यहाँ बैठ सकता है वो, और बाकी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड जब भी बॉडी बनवाएं तो यहाँ उस बॉडी को कटवाएं, फिलहाल यहाँ पर तो नहीं कटी है, जैसे अब एक गाड़ी और है उसकी तो कटी है ना? हाँ उसकी कटी, इसमें क्या है मिस्त्री से बोला था, वो भूल गया, उसने कटवा नहीं पाया। तो फ्रेंड जैसे अभी और भी वीडियो आएंगे बोलेरो पिकअप पर, गोविंद से हम बात करेंगे, कुछ पूछेंगे और भी, जैसे
क्या क्या, जैसे अगर लोड गाड़ी है तो किस तरीके से चलाई जाती है, कैसे चलानी पड़ती है, तो और भी वीडियो आएंगे फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पूरे अंदर से इस तरीके की दिखाई देती है, और डोर पर आपको ये डोर हैंडल, यहाँ से आप मैनुअली मिरर को आप ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं इस पर फिल्म लगी हुई है। तो अब चलते हैं साइड में। तो आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ये पट्टी लगवाई गई है, कुछ कपड़े जैसी है, जिससे गाड़ी देखने में अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी को, तो ये दिए गए हैं पटा, इनको बढ़वाना पड़ता है। कितने बढ़वाने पड़ते हैं? अब ये तो मैंने अपने हिसाब से ये 4 पटा बढ़वाए हैं, ये 2, 3, 4, बाकी कंपनी का है। अच्छा, 4 पटा बढ़वाए हैं और बाकी कंपनी के आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हाफ डाला थी, इसको बनवाया गया था, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बनी हुई है, यहाँ से ऊपर बनी हुई है। और ड्राइवर साइड इसका ये फ्यूल लेड होता है। इसमें कितने लीटर का वैसे फ्यूल लेड वो टैंक होता है? अभी जो नई गाड़ी आ रही है उसमें 60 लीटर का दिया है, पहले जो थी उसमें 50 लीटर का देते। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, और जैसे आपको और भी मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अभी तो ये सिंपल ही है, लेकिन वैसे लग बहुत बढ़िया रही है। तो इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक देख सकते हैं, और हेड लैंप आपको ये इस तरीके की मिलेंगी। ये टायर दिए गए हैं, इसमें ये कितने इंच के टायर आते हैं? 7-15 के टायर है जी। और वैसे गोविंद जी एक बात बताइए कि इसमें जो बेस्ट टायर कौन से हैं जैसे लोडिंग में चलाने के लिए? अब लोडिंग में ये तो सब लोग अपने अपने तरीके से बताएंगे, जैसे मेरे हिसाब से तो जेके टायर ही सही रहते। कौन से टायर हैं? जेके बढ़िया चलते हैं। हाँ, बढ़िया चलते हैं। तो वैसे गोविंद जी ने बताया कि गाड़ी में जेके टायर बहुत बढ़िया है, तो अगर जैसे आपको जेके टायर अच्छे लगते हैं आप चला सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं कि कैसे हैं। लेकिन फिलहाल अभी गोविंद जो चला रहे हैं वो जेके के टायर हैं, उन्हें अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी उनकी क्वालिटी लग रही है, तो वे चला रहे हैं, तो आप भी चला सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिसका जो माइलेज है, जैसे कंपनी तो हर कंपनी अपनी गाड़ियों का माइलेज अलग अलग बताती हैं कि इसमें इतने का माइलेज देगी, इतने का माइलेज देगी, वैसे आपको कितने का माइलेज देती है ये लोडिंग में भी? जैसे मान के चलिए मैं खाली में चलाता हूँ तो ये 15 से 14 या 15 के समथिंग देती है, लोडिंग में 12 से 13 के समथिंग। अच्छा, लोडिंग में 12 से 13 के समथिंग। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं लोडिंग में 12 से 13 का माइलेज मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं आप इस तरह से एक गाड़ी बनी हुई है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड इस बोलेरो पिकअप से रिलेटेड आपको और भी वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर। तो ये पूरा अंदर से देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको मिलेगी केबिन लैंप, ये मिरर दिया गया है, यहाँ पर आपको लाइट लेवलिंग के लिए मिलेगा कंट्रोल, यहाँ पर आप कुछ भी लगवा सकते हैं जो आपको लगवाना है। यहाँ पर मिलेगी आपको एसी की स्पेस, जिससे आप अगर एसी लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, वैसे लोडिंग गाड़ी में कोई ज़रूरत नहीं है एसी की। ये पैडल दिए गए हैं, तो पूरा देख सकते हैं अंदर से। वैसे बोलेरो पिकअप से 2-3 पार्ट आएंगे, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आएंगी वीडियो कि मॉडिफिकेशन से किस तरह की करवानी पड़ेगी आपको, किस तरह से आप करवा सकते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ पर मिलेगा आपको इसका हैंड ब्रेक, और नीचे भी आपको कुछ स्पेस मिलेगी जो आप अपना सामान रख सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर ये इस तरीके का आप कुछ भी सामान लगवा सकते हैं, या आप तो या स्पीकर रख सकते हैं,
इस तरह की एक गद्दी बनवा सकते हैं जिससे ये सीट दो स्लिम हो जाए, जिससे और भी स्पेस आपको मिल जाए, और पीछे आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ ये बाटल वो रखने के लिए है। यहाँ पर मिलेंगे सीट बेल्ट, इसकी ये विंडो, तो फ्रेंड जैसा कि आप सबने देखा गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स से रिलेटेड हमने बात की है, गोविंद से पूछा है कि क्या आपको गाड़ी में लगवाना चाहिए, कितने पटा बढ़वाने चाहिए, कितनी कॉस्ट आती है बॉडी बनवाने की, हाफ फुल। और फ्रेंड इस चैनल पर आपको और भी वीडियो आएंगी बोलेरो पिकअप से लेके, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस तरीके से लोड पिकअप चलाते हैं, और मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी भी आएंगी बोलेरो पिकअप, किस तरीके से आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आएंगी। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने इस वीडियो में गाड़ी से रिलेटेड सब क्लियर कर दिया है कि कितना गोविंद जी कमाते हैं एक मंथ में, और कितना आपको इसका वो मेंटेनेंस पड़ता है एक महीने का, तो सब क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन आई गाड़ी के बारे में, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।